शांति। आज की तारीख है 29/11/15 और आज हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 1/3/99। आज का मुरली का शीर्षक होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी कोई बने हैं? फिर पूजन और गायन में भी देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है? नंबर वार हम ब्राह्मणों की बाप दादा के स्वमुख से जो महिमा हो रही है वो सुनते चले जाइए और रूहानी नशे के घुट के ऊपर घुट पीते चले जाइए। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य रूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। जानते हैं ना सभी और देखते भी हैं। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है, अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। विश्व इतिहास में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी ही अटल अखंड और अचल रूप से चलती है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन व विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म प्यार की आत्माएं क्या और कोई बनती है? आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो? हरेक अपना अपना जवाब दें। बन भी गए हैं और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ कहाँ चलने वाले हैं?
इन द किंग बाप अपने घर में ले चलने वाले हैं। संगम का सुख, बाप दादा से संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना, प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो, यानी हम संगम पर रहना चाहते हैं या फिर सतयुग में जल्दी जाना चाहते हैं? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा, सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं, ध्यान से सुने, बाप दादा कहते हैं, जहाँ भी होंगे याद में होंगे तो बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगड़े भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, कि फिर जल गए और सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। अगर और कहां बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे ना तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो ना, क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं। तो बाप को अपना साथी क्यों नहीं बनाते हो, दो भुजा वाले को साथी बना देते हो, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला? विवेक क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है और दिल क्या कहता है? तो संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले हो नहीं सकते, क्योंकि बाबा सदा हमारे साथ हैं और हम याद करते हैं तो सदा हमारे पास हैं। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक भी जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें, थको नहीं। जब बाप दादा आपको साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं ना। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए तो अव्यक्त बने, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया, तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा, बाबा और सहयोग और अनुभव करेंगे। अगर सेवा तो सेवा सिर्फ यही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए
अलग कर देते हो तो बाप भी साक्षी होकर के देखते हैं कि देखें कहां तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से स्वयं को बांध कर रखो, ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान का साथ का ऑफर कर रहा है, स्वयं सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में फिर से मिलेंगी? सोचने की बात है, नहीं मिलेगी। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं कि अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, तो संगम युग के सुख और सुहिजों को, यानी जैसे उत्सवों को मनाना होता है, तो सुहिजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, क्या जवाब मिलेगा? हर एक अपने दिल पर स्वयं हाथ रख कर स्वयं को पूछ ले तो क्या कहेंगे कि नहीं, ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है, स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते हो? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग और सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। शिव बाबा से हमारा एक जन्म का नाता नहीं है, और ना ही ब्रह्मा बाबा से भी हमारा कोई एक जन्म का नाता है। चाहे शिव बाप सतयुग में भले साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, नाता तो नहीं बदलेगा, तो भूल नहीं सकता है, ये राइट बात है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हैं तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? हाँ, प्यार कभी नहीं टूटता, वो नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब नहीं टूट सकता, तो प्यार का फायदा तो उठाओ। फायदा उठाने का भी तरीका सीखो। तो आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, बाप दादा देखते हैं कि प्यार ने ही बाप का बनाया है। हम सभी बच्चे बाप के कब बने? जब बाप का प्यार मिला हम बच्चों को। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है, चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं
देखते भी हैं, कई बच्चों को कलयुगी सर्कमस्टेंसेस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है, ऐसे है ना? प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है, चाहे डबल फॉरेनर्स हैं, चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सर्कमस्टेंसेस की दीवार पार करा ही लेता है, ऐसे है ना? अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं, आ सकेंगे, लेकिन बाबा तो कहते हैं कि फिर भी वो पहुंच ही जाते हैं। तो ये है प्यार का सबूत। अच्छा, अब बाबा आज फिर से जिस त्योहार के निमित्त बाप दादा की पधरामणी हुई है, बाप दादा अब उस उत्सव के विषय पर आ रहे हैं। बाप दादा कहते हैं कि आज होली मनाई, मनाली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है, स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई क्या है? आपका स्लोगन भी है, क्या स्लोगन है? पवित्र बनो, योगी बनो, स्लोगन है ना? पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। बाबा कहते हैं कि कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते, ध्यान से सुने, अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव या परचिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसी है वैसी आ नहीं सकती। ये अंडरलाइन करें। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के इशारे देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसीलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा, तो मनसा वाचा कर्मणा
संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा बहुत धोखा देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा, गुह्यराज की बात सुने, ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता जो है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने आप को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कि कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ, धोखा दे देते हैं और दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। बाप दादा भी ये बात रिपीट कर रहे हैं। अब यह भी एक गुह्यराज है। क्या होता है, बाप दाता है और हम दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर सेवा है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है। जो दिल से सेवा करते उनको भी प्रत्यक्ष फल मिलता, और जो दिमाग से करते हैं, बाप दादा कहते हैं, उन्हों को भी प्रत्यक्ष फल तो मिलता ही है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा वो भी बाप दादा गुह्यराज आगे बता रहे हैं। क्योंकि बाप दाता है और वो उसी में खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। जो बुद्धि से सेवा करते हैं वो अंदर में खुश हो जाते हैं कि हमको तो फल मिल गया, हमारी सेवा अच्छी है, लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती। उनको मन की संतुष्टता जो मिलती है वो सदा काल के लिए नहीं मिलती, और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव भी नहीं कर सकती, उससे वो वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, सेवा करते हैं तो सेवा का कुछ ना कुछ फल तो अवश्य मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन अभी ध्यान से बात सुने गुह्यराज की बात, कि कुछ न कुछ तो मिलता है लेकिन जमा नहीं होता। आगे के लिए जो जमा होना चाहिए वो जमा नहीं होता, तो फिर क्या होता है? बाप दादा कहते हैं कि कमाया, खाया और खत्म। आज के लिए 5 रुपया कमाया, उसको खाया और उसको खत्म भी कर दिया। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, तो जमा क्या हुआ? तो बाबा कहते ये भी सोचना कि जमा करना है, अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता उससे।
इसलिए जमा करने की विधि है। अभी बाबा विधि सिखला रहे हैं, तो वो विधि को सदा स्मृति में रखें। तो जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। हाँ, पवित्रता का महत्व कितना बड़ा भारी और कितना अमूल्य है ये सभी को बाप दादा महसूस करा रहे हैं। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव उसमें मिक्स न हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। तो होली का अर्थ ही है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना। इसीलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन भी मनाते हैं। तो होली का अर्थ है जलाना और मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली या सिर्फ होली पर डांस किया, गुलाब जल डाल दिया। हाँ, किस पर गुलाब जल डालना है वह भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं, गुलाब जल भले डालो। हाँ, रंग वाले पानी से न खेलकर गुलाब जल एक दो के ऊपर भले खूब डालो। डांस भी भले करो, लेकिन सदा डांस करो। ऐसे नहीं होली के दिन ही डांस करें, खुशी की डांस तो बाप दादा हमें रोज कराते हैं। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं करो, एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो, हर वर्ष हाथ उठा कर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा भी मुबारक देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का पहला कदम है हिम्मत रखना। लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो। देखो रहम दिल बाप हमें कितना प्यार करते हैं, कहते हैं चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। ये बात भी बाप दादा छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, हाँ अभी हम क्या सोचें? तो बाप दादा कहते हैं बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। हाँ, तभी तो वो समय पर काम आएंगे। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वो बहुत काल का हुआ या अल्पकाल का हुआ? उसी समय अगर दृढ़ संकल्प करेंगे तो वो अल्पकाल का होगा। और रोज अगर दृढ़ संकल्प पर चलते रहेंगे तो वो सदा काल का हुआ। तो किस में गिनती होगा? अल्पकाल में ही होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। तो ये अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो,
जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी फिर वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी की भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, परंतु उसके बदले क्या करना? इंतजाम करना। इंतजाम करो, बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है। बाबा कहते हैं कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है, क्योंकि बाबा कहते हैं आप समय के मालिक हो। तो मालिक के लिए प्रकृति, समय सब रुके हुए हैं। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से समय रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली रहना नहीं चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? हाँ, वो किस पर राज्य करेगा? इसमें शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कि कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सभी बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के अधिकारी नहीं, कभी कभी के अधिकारी पसंद है। एक हाथ की ताली बजाओ, पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो हैं ही आगे। मेडिटेशन हॉल में बैठकर सभी मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। देखो बाबा, एक एक बच्चे जो जो अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, सभी को खुश कर रहे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य मिलना ही है। आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है और उनके त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आस सुनो। अब बाप दादा हम बच्चों से अपनी आश शेयर करते हैं, पसंद है ना? बाप दादा सुनावे तो अच्छा। अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे बाप दादा? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे? बाप दादा पूछेंगे और ऐसे ही सभी हाथ उठाएंगे? हाँ, हाथ भले उठाओ। बाबा कहते भले हाथ उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। हाँ, खाली स्थूल हाथ मत उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक के अंदर संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं।
तो सुना बाप दादा की आशा, नैनो में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनो के तारे, बाबा को आंखों के तारे क्या दिखाई पड़े, पवित्रता के तारे, रूहानियत से चमकते हुए बच्चों को देखने चाहते हैं। फिर और क्या चाहते हैं बाप दादा, बोल में मधुरता, फिर विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं, कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। फिर भावना में बाबा क्या देखना चाहते, सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, कौन सा भाव, भाई भाई का भाव, और सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है कि अनुभव हो, तो ऐसे सजे सजाए मूरत देखने चाहते हैं, और ऐसी मूरत ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप आपके चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। भक्ति मार्ग वाले तो जड़ यादगार बनाएंगे, लेकिन बाप आपके चैतन्य चित्र को देखना चाहते हैं। अच्छा, अब आगे हम क्या सुनेंगे, मीठे मीठे बाप दादा विदाई लेते समय हम सभी बच्चों को बड़े प्यार से गुण और विशेषताओं के साथ याद प्यार देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले सुपर सेंसुअस जॉय, समीप के सदा साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं सदा अपने को शक्तियों और गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले पाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे सतगुरु बाबा से वरदान। तो वरदान है आज का, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। बाबा कहते हैं कि अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब ये आकर्षण भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में
अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज ही स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है, इसमें ही अतिंद्रिय सुख समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।